यहाँ पे आपको दिख रही ना गाय और भैंस, गाय नहीं भैंस, भैंस के बच्चे देखो कभी घास खा रहे ना, वाह कितने प्यारे लग रहे, सो स्वीट। ये देखो ये घास खा रहे हैं, है ना फ्रेंड्स, आपको भी एनिमल्स अच्छे लगते हैं, मुझे तो बहुत प्यार करती हूँ एनिमल्स को। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे सनी व्लॉग 15 चैनल में। और आप सब कैसे हो, आई होप अच्छे होंगे, है ना। और सुबह हो गया, हम उठ गए हैं, अभी अभी उठे हैं, अभी हम फ्रेश भी नहीं, कुछ भी नहीं किया, अभी बर्तन भी ऐसे पड़े हुए हैं, झाड़ू भी ऐसी पड़ी हुई है, है ना। और अब हम बर्तन वगैरह धुलेंगे, है ना। और मम्मी मोहित तो भी सो ही रहे हैं, और बिस्की क्या कर रही है, सिब्बू तो फ्रेश हो गई है, तो मेरे को भी मन नहीं करता, गुस्सा आता है जब उठाते हैं सब, उठो उठो उठो, मैंने कहा सत्तर सुबह कितनी अच्छी नींद आती है ना। तो अब हम बर्तन धुलते हैं, तो आप बने रहना वो लोग में, ठीक है। देखो मौसम ऐसा हो रहा है यहाँ का, है ना, धूप भी निकल रही, ठंडा मौसम हो रहा है, ऐसा लग रहा है जैसे जाड़ों के दिन आ गए हो, कहोर सा आ रहा है, फोक नहीं आता, फोक जाड़ों में फोक आता है ना, तो ऐसा हो रहा है, देखो ये फोक सा आ रहा हो। और यहाँ देखो मिक्सी, मिक्सी मिक्सी क्या देख रही मिक्सी, मिक्सी मिक्सी को पता नहीं क्या दिख रहा है, मेरी समझ में नहीं आ रहा, जो मुझे नहीं दिखता वो विस्की को दिखता है, वाओ नाइस। ये देखो यहाँ सिब्बू खड़ी है, क्या हुआ, गुड मॉर्निंग भी बोले ऐसे मुंह फेर रही है, गुड मॉर्निंग। बस यहाँ पे भाई फोन चला रहे हैं, उठ गए हैं ना बिस्तर में, देखो बिस्तर में हमारे बर्तन भी यहाँ बिस्तर में नहीं है, लेकिन है ना भैया, हम बर्तन धुलेंगे, सिर्फ झाड़ू लगाएगी, ऊपर पंखा चल रहा है, मैं मम्मी से बोल रही हूँ पंखा बंद कर दो ना, ठंड लग रही है इस टाइम, इसी तरह पंखा चला रखा है, ये ठंड क्या वो लग रही पाले की। हम फटाफट अपना काम फाइनल करते हैं, फिर फ्रेश वगैरह होंगे, तो आप बने रहना व्लॉग में, ठीक है। हमने बर्तन धुल दिए पूरे, देखो यहाँ पे साफ कर दिया है ना, और अब हम होएंगे फ्रेश, मतलब ब्रश वगैरह करेंगे, है ना, मुंह धुलेंगे, तो फिर आप बने रहे व्लॉग में, ठीक है। देखो फ्रेंड्स हम ब्रश करेंगे, तो अब हम फ्रेश भी हो गए हैं, है ना, कि डांट कितने सुंदर हो रहे हैं, चपेट वाइड वाइड खड़ा हो क्या क्या बन रहा नाश्ते में, उसे बता तो मुझे नाश्ते में नाश्ते बन रही है कद्दू की पत्तों की तो वो भुज्जी कद्दू के पत्तों की तोरी की भुजी नहीं फ्रेंड्स दिखाई कद्दू की, मैं बताती हूँ, है ना, मम्मी जो कल वो लाई थी ना, वो कद्दू की बेल नहीं होती, मम्मी उसकी फुंगल लाई थी तोरी, क्योंकि उसकी भुजी बन रही है रोटी, उसकी फुंगल ना बहुत टेस्टी होती खाने, मुलायम मुलायम ना, तो उसको काट के उसकी भुजी बना के तब खाएंगे हम नाश्ते में, ये लड़का क्या बोल रही, और बन भी रही है, हम आपको भी दिखाते हैं, ठीक है। तो ये बन रही है यहाँ पे भुज्जी, कद्दू की फुंगल की भुज्जी, आप भी बना के देखना, कसम से मस्त, बहुत जबरदस्त होती है, बहुत मस्त होती है, आप बना के देखना एक बार, सच्ची बोल रहे हम, दादी की कसम बहुत जबरदस्त होती है, दादी तो है अभी नहीं अभी तो चाय वगैरह भी बनेगी, बन गई चाय भी बन गई है, तो चाय वगैरह भी हमारी सब बन गई है, जैसे कि आपको पता है हम थोड़ी देर छत पे आए हैं घूमने के लिए, है ना, जब से काम ही कर रहे काम ही कर रहे, तो हम थोड़ी देर अब छत पे घूमेंगे, है ना, आप भी घूमो देखो है ना, मजा आ रहा है घूमने में और मौसम भी अच्छा हो रहा है फिलहाल तो भी, है ना, तो फिर आप बने रहे व्लॉग में, अब चलते हैं हम नीचे, नीचे बन रहा है हमारा नाश्ता, ओह माय गॉड। ये देखो हम आ गए छत से, है ना, यहाँ पे हमारी चावल की रोटी सीख रही है, और हम फटाफट नाश्ता करते हैं अब, है ना, यहाँ पे सिर्फ बैठ रखे, यहाँ पे विक्सी बोल रहे थे अभी काम नहीं पता नहीं, ये रही है ना, तो फिर आगे मिलेंगे हम। हाँ हमारा नाश्ता बन चुका है, हम कर रहे हैं नेक्स्ट टाइम, देखो भुर्जी रोटी चावल की, चावल फ्राई करते हैं, हम थोड़े से ले लेते हैं,
बहुत टेस्टी हो रहा है, तो आपको पसंद आए सब कमेंट में बताओ। हो गया देखो यहाँ पे नाश्ता करे भाई और मम्मी भी अब करेंगी है ना, तो फिर नाश्ता करके ना फिर हमें बर्तन वगैरह धुलने हैं, तो आप बने रहना व्लॉग में ठीक है। तो अब हमारा नाश्ता वगैरह सब हो चुका है ना, और अब हम काम करेंगे, बहुत सारा काम पड़ा हुआ है, कपड़े धुलने के लिए पड़े हुए हैं, बर्तन धोने के लिए पड़े हुए हैं, और पानी पीने का पानी भरने के लिए पड़ा है, झाड़ू लगाने के लिए पड़ी है, लंच बनाने के लिए पड़ा है, 1 2 3 4 5 काम है हमारे है ना, और हम 5 नहीं करेंगे, हम उनमें से सिर्फ 2 करेंगे। ये ना मुझसे बहुत चिढ़ रही है, अभी लड़ाई भी करी थी और घूमियो ऐसे करी थी, तो हम उसमें से 2 काम करेंगे ओनली, बस हमें क्या करना बर्तन धुलना और पीने का पानी भरना है बस, हम तो करें फालतू काम ना, भाई जो बड़ा है वो करेगा, हम छोटा तो कम ही काम करते हैं, तो हम फटाफट काम करते हैं, तो आप बने रहना ब्लॉग में देखते रहो ठीक है, कहीं मत जाना। तो अब हमने सारा काम अपना फाइनल कर दिया है, बर्तन वगैरह भी धुल दिए हैं, बस पीने का पानी हो रहा है वो भर रहा है, अभी हम आपको दिखाते हैं ठीक है। देखो है ना ये भर रहा है यहाँ पे पीने का पानी, और यहाँ पे सिब्बू आग जला रही है, यहाँ पे हमारी लंच की तैयारी, लंच में क्या बनने वाला आज, माय फेवरेट कढ़ी चावल, वाओ नाइस कढ़ी चावल, अगर आपकी भी फेवरेट है तो कमेंट में बताओ। और मम्मी यहाँ पे क्या कर रही हैं, यहाँ पे मम्मी ने ये दही जमाई थी ना, तो इसको चला के फिर इसकी हम कढ़ी बनाएंगे दही की, क्या मज़ेदार है ना। तो फिर हमारा काम देखो सब बढ़िया हो गया है, कम्प्लीट हो गया है, तो अभी तो हम फिलहाल मिलते हैं आपको आगे, आप बने रहिए ब्लॉग में ठीक है। तो हमारी कड़ी बनने की तैयारी होगी, वो देखो ये देखो यहाँ पे आग जल रही है, और यहाँ पे ये सिब्बू क्या कर रही है, ओए रमजी से चलाना घास चाटने कड़ी को, रमजी चलाना। अच्छा ओ माय गॉड, तो ऐसे क्या बोल, ऐसे क्या बोल रही है, प्यार से बोलना, प्यार नहीं तेरे अंदर, तो फालतू क्या बोल रही है, तो मैंने यही तो बोला रमजी से चलाना, तो इसमें बोलो बोलो कड़ी हाथ से खुलती, रमजी से खुलेगी तो क्या हो गया, रमजी से खोल देंगे तो रमजी से खुलेगी, तो बात पता है खाना कैसे बनता है, हाथ धोए तो तूने, साफ ही रहती हूँ। अच्छा तेरी आग बुझ गई, कितने मोटे मोटे लकड़ लगाए, कितना चूल्हा भी नहीं, जितना लकड़ा लगा रखा है, इतना मोटे इतना मोटा लकड़ा लगा तूने, ये तेल डाल रही क्या, पकौड़ी बनाई आज, पकौड़ी नहीं बनाई, पकौड़ी नहीं बनाई आज, सिब्बू मिर्ची एक आज सूखी है, बकवास करो जा, चावल पकौड़ी नहीं बनाई आज, पकौड़ी पकौड़ी बनाई, ये पकौड़ी नहीं बनाई मम्मी, पकौड़ी खाने मुझे, मम्मी ने कितनी दूर से डाली मिर्ची देखो, सूखी मिर्ची, हाथ से चलाना है कि, तो यहाँ पे हमारी कड़ी बनेगी, अभी तो बहुत टाइम लगेगा, चावल बनेंगे है ना, तो आप बने रहना व्लॉग में। सिब्बू ने कड़ी छोक दिया, देखो चूल्हे की खड़ी चूल्हे की खड़ी चूल्हे की खड़ी खाओ आप, चूल्हे की छोली, और मम्मी कर रही है यहाँ पर देखो, मम्मी देखो, मम्मी पता नहीं क्या चुकती रहती है, समझ में नहीं आता, जब भी हम कैमरा करेंगे मुझे मत दिखाया करो, कहीं क्या मिर्ची सी जुटे टुन्ने टुन्ने, क्या बिस्क ऊपर सो गई छोटे वाली छत पे है ना, और सिब्बू पता नहीं क्या क्या कर रही है वहाँ नल पे, बस हर दम ने तो ऐसा लगता है इन चारा जो हमेशा ये सिर में ऐसे बांध के रखते हैं, इन चारा जो जमींदार कितनी ठीक होगा बता देना मुझे, उस दिन गंगा में प्रसाद चढ़ाऊंगी मैं, होता रहता है तो, अरे यार तो है ना, तो ये जमींदार हमेशा ऐसे बांध के रखते हैं। ये देखो हमारा लंच बन चुका है, कढ़ी चावल जैसे कि मैंने आपको बताया था, यहाँ पे पानी यहाँ पे कढ़ी चावल, तो हम लंच कर लेते हैं, तो हमारा लंच भी हो गया है ना, और अब हम बर्तन धुलेंगे, और सिब्बू कपड़े धोने के लिए जा रखी है, हमें करना है झाड़ू लगानी है, बर्तन धुलने हैं, ये काम करना है हमको, बर्तन हमने खिट्टे करके दिए उधर है ना, तो फिर हम बर्तन धुल लेते हैं, तो आप बने रहना व्लॉग में। सारा काम कर दिया है, बर्तन धुल दिए हैं, झाड़ू भी लगा दिए हैं ना, और हम आपको एक चीज़ और दिखाते हैं ठीक है, आप बने रहना व्लॉग, ये देखो यहाँ पे आपको दिख रही है ना गाय और भैंस, गाय नहीं भैंस, भैंस के बच्चे देखो कैसे घास खा रहे ना, वाह कितने प्यारे लग रहे, सो स्वीट, ये देखो ये घास खा रहे हैं है ना फ्रेंच, आपको भी एनिमल्स अच्छे लगते हैं ना, मुझे तो बहुत प्यार करती हूँ एनिमल्स, तो बहुत अच्छे लगते हैं मुझे तो है ना, तो कमेंट में बताओ कितने प्यारे होते हैं ना ये, कैसे खाते हैं, और जब वो चाची के यहाँ पे जब
वो भैंस की डिलीवरी होती थी ना उनकी, तो बहुत प्यारा बच्चा आता था। तो देखो कितने प्यारे प्यारे हैं लग रहे हैं ना, तीनों हैं, तीनों घास खा रहे हैं। देखो विस्की के हाल, आज हमने विस्की को खोल दिया है, देखो इसकी रस्सी यहाँ पड़ी हुई है ये नहीं, लेकिन तब भी आज सोई जा रही है, घूमने नहीं जा रही। और देखो सोने में लगी विस्की, विस्की ए विस्की हाँ विस्की, हो लीड पकड़ ली, छोड़। तो विस्की सोई थी, हम इसको उठा देते हैं है ना। तो ये देखो गाइज, शाम के 7 बज चुके हैं और ये देखो बहुत देर से बारिश पड़ रही है और अभी भी बहुत तेजी से पड़ रही है। ये देखो ये ऊपर से आ रहा है पानी, अब तो कम हो गया, बहुत पहले तो बहुत सारा आ रहा था। और ये देखो दिख नहीं रही जरा आपको कैमरे में ना, बहुत तेज बारिश पड़ रही है ना। ये देखो पानी में गिर रही है, ये देखो है ना, ये देखो आप देख रही होंगे, इधर भी देखो छत से कैसे पानी गिर रहा है, ये देखो। तो बारिश पड़ रही है इस टाइम बहुत तेज से है ना। तो अब शाम के 7 बज गए, पूजा का टाइम हो चुका है ना, और अब हम पूजा वगैरह करेंगे। और मम्मी सिब्बू की तो तबीयत ख़राब होगी थोड़ी, जरा सिर में दर्द हो रहा है ना उसके, तो वो तो सो रही है। और मम्मी चावल की रोटी बना रही थी, क्योंकि हम पे चावल की रोटी नहीं आती ना बनानी अभी, तो इसलिए मम्मी बना रही चावल की रोटी शाम के लिए। तो दोस्तों अगर आपको हमारा ब्लॉग अच्छा लगे तो लाइक कर देना, चैनल पे नए तो सब्सक्राइब भी कर लेना, शेयर कमेंट भी करना, बने रहना हमारे ब्लॉग में, अपना ख्याल रखो। और हमारा ब्लॉग देखने के लिए थैंक यू सो मच, मिलता आपको नए ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।